प्रसादम पर क्यों मचा फिर से घमासान। वाईएसआरसीपी के बीच क्यों हुई प्रकाश राज की एंट्री। प्रकाश ने क्यों कहा कि आने पर जवाब मिलेगा। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के अंदर प्रसादम का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां वाईएसआर जगन की पार्टी और टीडीपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, तो वहीं पर सोशल मीडिया के अंदर भी प्रसादम को लेकर एक दूसरे के ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। इन सब के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण और फिल्म अभिनेता प्रकाश राज के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ, जिसमें जनसेना प्रमुख ने फिल्म इंडस्ट्री पर धर्म से जुड़े मुद्दों को हल्के में लेने का आरोप भी लगाया। इसके बाद एक बार फिर प्रकाश राज की एक बार प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि विदेश में शूटिंग कर रहा हूं और वापस आने के बाद आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। प्रकाश राज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने अपनी प्रेस मीट देखी है, मैंने जो कहा और आपने जो किया वो गलत व्याख्या की है। मैं विदेश में शूटिंग कर रहा हूं, आपके सवालों का जवाब देने के लिए वापस आऊंगा और इसी बीच मैं सराहना करूंगा। यदि आप मेरे पीछे ट्वीट को देख सकें और समझ सकें, बस मैं ये पूछ रहा हूं। दरअसल बीते दिनों पवन कल्याण ने प्रकाश राज के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं हिंदू धर्म की पवित्रता और खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसे मुद्दों पर बात कर रहा हूं और मुझे इन मामलों पर क्यों नहीं बोलना चाहिए। मैं आपका सम्मान करता हूं प्रकाश राज, और जब धर्म निरपेक्षता की बात आती है तो ये पारंपरिक होना चाहिए। मुझे समझ ये नहीं आता कि आप मेरी आलोचना क्यों कर रहे हैं। क्या मुझे सनातन धर्म पर हमलों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? प्रकाश को सबक सिखाना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री और अन्य लोगों को इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं सनातन धर्म के बारे में बहुत गंभीर हूं। और उप मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि मेरे लिए सनातन धर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पूरे मामले पर हर हिंदू की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी बात ख़त्म करते हुए पवन ने यह कहा कि अगर किसी दूसरे धर्म में ऐसा होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता। इससे पहले एक्टर प्रकाश राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा था कि डियर पवन कल्याण, ये उस राज्य में हुआ है जहां आप मुख्यमंत्री हैं, प्लीज जांच कीजिए, दोषियों को ढूंढिए और कड़ी कार्रवाई कीजिए। आप इस मुद्दे को सेंसेशनल क्यों बना रहे हैं और इस राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा क्यों बनाना चाहते हैं? देश में पहले ही बहुत सांप्रदायिक तनाव है और केंद्र में बैठे आपके दोस्तों की कृपा से ये बना हुआ। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से ट्रोल आर्मी अपने अपने नेताओं और अभिनेताओं की मुहिम में जुटी हुई है और उनका मंडप करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।